नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना रंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी जायका में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फी और उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हलवा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हलवा और बर्फी दोनों ही बताऊंगी। दोस्तों आज के वर्तमान समय में हर घर में बच्चों की यही कहानी है कि वो खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करने लगे हैं, तो जिससे उनका उचित पोषण होना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज मैं एक ऐसी बर्फी और ऐसा हलवा बनाने वाली हूँ जिससे आपके बच्चे को उचित पोषण के साथ साथ बाहुबली जैसी ताकत और तेज़ दिमाग भी हो जाएगा। बच्चा आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, तो ये हलवा उसे रोज़ नहीं तो हफ्ते में दो दिन ज़रूर खिलाइए। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी तेज़ी से होगा। आप इस हलवे को इस तरीके से एक महीने बनाकर अपने बच्चे को दें। हलवा बर्फी मैंने इसलिए दो रेसिपी इसमें दी है क्योंकि बच्चे अक्सर हलवा नहीं खाते हैं, तो आप उसे थोड़ा सा अलग चॉकलेट डाल के बर्फी तैयार करके दें, वो ज़रूर इसे खाना पसंद करेंगे। ये बच्चे बड़े दोनों खा सकते हैं दोस्तों, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी नाश्ता है। इसे रात में भी ले सकते हैं आप, मॉर्निंग में भी, किसी भी समय इसे आप ले सकते हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक कुछ ट्रिक और टिप्स बताती रहती हूँ जो आपके और आपके परिवार के लिए हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हलवा और बर्फी बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। 50 ग्राम के करीब अखरोट ले लेंगे हम, और इधर हम लिए हुए 100 ग्राम के करीब पोस्ता दाना। दोस्तों इसे खसखस या पॉपी सीड भी कहीं कहीं बोला जाता है। 100 ग्राम के करीब बादाम लिया हुआ है दोस्तों हमने, तो अब इन दोनों को, बादाम और खसखस को, हम 24 घंटे के लिए भिंगो लेंगे। खसखस थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, इसलिए हम इसे 24 घंटे तक भिंगोएंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसे हलवा बनाएंगे। कहते हैं तब तक यहाँ पे हमने 50 ग्राम के करीब नारियल के गोले को कट करके लच्छा बना लिया, और 50 ग्राम के करीब ही चीनी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 बाइट बटर लिया हुआ है। आप बटर नहीं खाते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी। और 50 ग्राम के ही करीब हमने खोया लिया हुआ है दोस्तों। खोया इस हलवे को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है, आप खोए को ज़रूर डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 24 घंटे तक हमने इसको पानी में सोख करके रखा था, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सोख हो गया है। ये देखिए हाथों से दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही अच्छे से पानी सोख लिया है। तो अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, तो सबसे पहले खसखस डाल देंगे, उसके बाद बादाम, फिर अखरोट डाल के तीनों को पीस लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल के पीस सकते हैं इसमें। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बिल्कुल रेडी है हलवा बनने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। अक्सर बच्चे खड़े ड्राई फ्रूट रहते हैं तो उसे खाना नापसंद करते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया और इसमें बटर डाल दिया है। बटर जब मेल्ट हो जाए तो हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिए अब बटर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, तो अब हम पेस्ट को कढ़ाई में डाल रहे हैं। पेस्ट डालने के तुरंत बाद ही हमें खोए में थोड़ा सा पानी मिला के तुरंत ही डालना होगा, जिससे गुठलियाँ ना बने, और इसे प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे से मिलाते हुए चला लेना होगा। अब इसको कंटिन्यू 2 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये पेस्ट गुठलियाँ बना लेगा, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम पेस्ट डालेंगे कढ़ाई में तो फ्लेम बिल्कुल लो रहे या फिर फ्लेम को ऑफ करके ही डालें, क्योंकि पोस्ते दाने में हीट लगते ही वह जमने लगता है, उसमें सेटिंग का गुड़ पाया जाता है दोस्तों। ये हलवा केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी हलवा है दोस्तों। जो इसमें पॉपी शीड है उसमें कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस तीनों ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बोन्स के वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर का विकास तेजी से होता है।
तो देखिए अब हम इसे 10 मिनट तक चलाते हो गया है, तब हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ अच्छी लगती है खाने में अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो वो और भी जानदार बना देता है डिश को। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डाले हैं। बात कर रहे थे हम पॉपी सीड के फायदे के बारे में दोस्तों, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हलवा है दोस्तों। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं और पॉपी सीड में फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और डायबिटीज पेशेंट को फाइबर रिच फूड खाना खाना चाहिए। अगर वो अपने डेली डाइट में पोस्ते दाने का सेवन करें तो उसका डायबिटीज काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, और जिसे डायबिटीज नहीं है वो अगर इसे अपने डेली डाइट में लेने लगे तो दोस्तों उसे कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। इसे 15 मिनट चलाते हुए हो गया है तो हलवा के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम इसमें से 2 कटोरी हलवा के लिए निकाल लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम बर्फी के लिए इसी में से आपको कैसे बर्फी बनाना है वो बताएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल टेस्टी सा हलवा बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अगर आप इसे और ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो पिस्ता काजू ऊपर से छिड़क सकते हैं और नारियल का गोला भी छिड़क सकते हैं इस पे। अगर आपका बच्चा खड़े ड्राई फ्रूट नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी दे सकते हैं क्योंकि हलवा ड्राई फ्रूट का ही बना है। तो देखिए अगर जो बच्चे नारियल खाते हैं तो आप नारियल से भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हो चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं दोस्तों। तो आप इसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग, घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए भी ये हलवा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं धात्री अवस्था जिसको बोलते हैं उसमें भी ये हलवा बहुत ही कारगर है। तो आइए अब हम हलवा रेडी है बिल्कुल, तो अब बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बर्फी बनाने के लिए दोस्तों इस हलवे को 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर और पका लेंगे हम, इसलिए इसे पकाएंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो जब तक ये 10 मिनट में पक रहा है तब तक हम अखरोट और बादाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट और 3 ओमेगा फैटी एसिड के गुण पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज करने और दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। हो चुके हैं दोस्तों, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इधर गैस की फ्लेम को ऑन करके थोड़ा सा गर्म पानी रखेंगे गर्म होने के लिए, और उसमें 1 कटोरी डाल देंगे। कटोरी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड चॉकलेट, मिल्क, किटकैट, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो वो आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इधर हमने एक मिठाई का डब्बा ले लिया, आप केक टिन का भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ, फिर सारे मटेरियल को इस डब्बे में भर देंगे, बहुत ही मेनली अच्छे से दबाते हुए भर देंगे दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम दोस्तों ड्राई फ्रूट की, बादाम में विटामिन मिनरल, विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, मिनरल, 3 ओमेगा फैटी एसिड जो बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो देखिए अब हम इसे चम्मच की सहायता से बहुत ही अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। अब जो ये चॉकलेट मेल्ट हो गया है तो हम सारे चॉकलेट को ऊपर फैलाते हुए सेट कर देंगे। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए प्रेजेंटेशन, ताकि इसका बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू फैला देंगे। काजू फैलाने के बाद हम इसे 1 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। वाह दोस्तों देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, वाकई ये तो लग ही नहीं रहा है कि घर में बना हुआ है ये बर्फी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में तो लाजवाब है ही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। ये रही आपकी आज की पहली टिप्स दोस्तों। खसखस में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है जो कि थायराइड की समस्या को दूर करने में उपयोगी भूमिका निभाता है। आपकी दूसरी टिप्स दोस्तों, एक शोध के अनुसार पाया गया है कि जो लोग बादाम या बादाम से बनी चीजें रोज खाते हैं उनकी आयु ना खाने वालों की अपेक्षा 20% ज्यादा होती है। जाने से पहले ऊपर कुछ वीडियो दिख रहे हैं दोस्तों, एक पे क्लिक करके जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक हेल्दी बी हेल्दी, बाय बाय।